कड़ता के जंगल के बीच में एक छोटा सा हनुमान जी का मंदिर है और वृक्ष लगा हुआ है, उसके नीचे हनुमान जी विराजमान है। आज हमारा यहाँ से निकलना हुआ तो हमने सोचा थोड़ा सा जाने यहाँ के विषय में, क्या रहस्य, क्या यहाँ की विशेषता है। यहाँ की विशेषता ये है कि ये स्वयं सिद्ध हनुमान जी सरकार का मंदिर है। यहाँ प्राचीन कई वर्षों से यहाँ हनुमान जी बरगद के यहाँ विराजमान है। और यहाँ की एक और विशेषता है, प्रकृति के हिसाब से भी यदि देखा जाए तो हनुमान जी के यहाँ, यहीं आप देखेंगे तो यहाँ ऐसा प्रतिकूल रहता है मौसम, यहाँ पे ठंडी महसूस होती है और थोड़े ही दूर आप आगे जा कर के देखेंगे तो वहाँ अलग प्रकृति का नियम रहेगा कि वहाँ गर्मी रहेगी। और काली मोह के बंदर यहाँ नहीं आ सकते क्योंकि यहाँ पे बर हमें देखने को मिलता है। लाल मोह के बंदर यहाँ पर हनुमान जी के यहाँ विराजमान रहते हैं। लाल मोह के बंदर लोगों को भी हाँ, और लोगों का ऐसा रहता है कि कई लोग यहाँ पे दर्शनार्थी आते हैं तो क्रेट भर करके कोई केला लाता है। अक्सर देखने में आता है कि जो भी यहाँ से निकलता है तो बंदरों कुछ ना कुछ खाने के लिए कोई चना लाएगा, कोई बिस्किट लाएगा और यहाँ पे आकर के हनुमान जी के यहाँ वो सेवक माने जाते हैं उनके। और एक और सुनने में आता है यहाँ कि एक उनका सरदार है कोई जो एक डंडा लेकर के चलता है। बंदरों में ही एक सरदार है ऐसा कोई कि जो डंडा लेकर के साथ में रहता है। यहाँ कई लोगों से क्षेत्र में जानने से पता चला कि एक ऐसा बंदर भी रहता है वो जो बुजुर्ग है वहाँ का। अच्छा हाँ, तो ये वैसे तो स्वयं सिद्ध हनुमान जी हैं की और हनुमान जी की विशेषता का कोई क्या बता सकता है, तो कई विशेषताएं हैं उनमें तो ऐसी। तो आप देख रहे हैं कुछ ना कुछ तो है हनुमान जी की कृपा, जो लोग यहाँ पे आके रुकते हैं और बंदरों को अक्सर चने और फल फूल खिलाया करते हैं।